हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बी वाइज एंड वेल्दी में। आज दोस्तों हम बहुत ही एक छोटी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, और उस कंपनी का अगर आप देखेंगे मार्केट कैप ओनली 308 करोड़ है। मैं आपको बताऊं कंपनी का नाम, तो कंपनी है दोस्तों यहाँ पर गांधी स्पेशल ट्यूब्स। जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी का नाम शायद आपने ना सुना हो, शायद आप इसका पहली बार सुन रहे हो, या फिर हो सकता है किसी ने इसका नाम सुना हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इस कंपनी के बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पर जो है इसका टेक्निकल चार्ट पे भी ज़बरदस्त एक जो है ट्रेंड रिवर्सल दिख रहा है, और फंडामेंटल भी दोस्तों इतनी छोटी कंपनी के बहुत ज़बरदस्त हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा इसके फंडामेंटल्स, और आपको बता दूं कि जो इसके पीयर्स हैं वो है रत्नामणि और मिधानी, यानी मिश्र धातु निगम लिमिटेड। तो ज़बरदस्त सेक्टर को बिलोंग करती है, ट्यूब्स बनाती है। ट्यूब्स में देखिए क्या बनाती है, ये सीमलेस एंड वेल्डेड स्टील ट्यूब नट्स एंड जनरेशन ऑफ विंड पावर। तो बेसिकली ये जो है हीट एक्सचेंजर बनाती है, जो पाइप्स होते हैं, स्ट्रेट पाइप्स होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं जो बैंड वाले यू बैंड के, जो यू बैंड ट्यूब्स जो होती हैं। और जो कहाँ काम आती है, देखिए ऑयल गैस सेक्टर में काम आती है, पेट्रोकेमिकल एंड रिफाइनरीज में काम आती है, फर्टिलाइजर्स प्लांट्स में, पावर प्लांट्स में, और सो ऑन। तो यहाँ पर कई जगह ये ऐसे पाइप्स यूज़ आते हैं, और रत्नामणि का नाम आपने सुना होगा। बेसिकली यहाँ पर जो है उसी का ये पीयर है, और बहुत छोटी कंपनी है 308 करोड़ की। तो और मिश्र धातु से भी इसको आप काइंड ऑफ इसका जो कह सकते हैं पीयर है, क्योंकि मिश्र धातु जो है स्पेशली अलॉयज बनाती है, स्पेशल अलॉयज टाइटेनियम और स्पेशल मेटल्स बनाती है। लेकिन अगर इसका हम डायरेक्ट पीयर बोले तो रत्नामणि मेटल है, जो कि बड़ी कंपनी है, मार्केट कैप उसका 7-8 हज़ार करोड़ का है। तो दोस्तों ये कंपनी के बारे में बात करेंगे, टेक्निकल चार्ट पे भी आपको बताऊंगा क्यों ये अच्छी दिख रही है, फंडामेंटल ज़बरदस्त है इतनी छोटी कंपनी के। तो वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा बिना स्किप करे, और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बात करें हम इसके फंडामेंटल्स की। सबसे पहले देखिए मार्केट कैप ओनली 308 करोड़ का है, मतलब बहुत ही छोटी कंपनी है दोस्तों। और करंट प्राइस आप देखेंगे तो 238 का चल रहा है, हाई देखें 290 का चल रहा है, और पी देखेंगे आप तो इंडस्ट्री का पी और इसका पी ऑलमोस्ट बराबर है, मतलब बिल्कुल सस्ते दाम पे अवेलेबल है। और आरओसी 15, आरओई 12, इतनी छोटी कंपनी के लिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी ज़बरदस्त है नंबर्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे आप नज़र डालिए, बहुत ही अच्छा है, 31.6 का। डेट देखिए जीरो, प्लेजिंग जीरो, प्रमोटर होल्डिंग अच्छी खासी है 73.4। अब मैं आपको इसके एक बार पीयर्स दिखाता हूँ, तो देखेंगे आप यहाँ पर, गौर से देखिएगा, रत्नामणि मेटल, मिश्र धातु, ये दो हैं बड़े प्लेयर्स, और यहाँ पर है गांधी स्पेशल ट्यूब्स। अब आप पी देखिए, रत्नामणि का है 26.28 और इसका देखिए 15.31, इंडस्ट्री का पी 15.31 और ये उसके बराबर यहाँ पर है। अगर आप मार्केट कैप देखिए 307 करोड़ का, और यहाँ पर देखिए 7,000 करोड़ एंड 3,700 करोड़। अब देखिए डेट, सब पे मिनिमल डेट है, आप देखेंगे 0.09, 0.15, अगर हम इन दोनों की बात करें, आप चाहे दूसरे भी देख लीजिए, यहाँ पर जो है सब पे डेट है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए इसके 0.0, तो ये जो है इसमें सबसे अच्छी बात लग रही है दोस्तों। और एक चीज़ और है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए, इसका है 14 रत्नामणि का, और मिश्र धातु मिधानी का है 23, और इसका देखिए 31, सबसे ज़्यादा है इस लॉट में। आप देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 31.64, और मार्केट कैप कितना है उसका, ओनली 300 करोड़। इसको चाहे तो दोस्तों कल के कल कोई भी कंपनी यहाँ पर जो है इसको खरीद सकती है, इतनी छोटी कंपनी है। लेकिन अब इसके और फंडामेंटल्स देखने के बाद ही दोस्तों यहाँ पर एक्विजिशन होते हैं, तो देखिए ज़बरदस्त फंडामेंटल्स हैं। और हम बात करें इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो आप देखिएगा यहाँ पर कि अगर आप सितंबर क्वार्टर में देखेंगे तो 25.66 जो है रेवेन्यू पोस्ट किया है, अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 11.12, मतलब यहाँ पर जो है कम था, और अब इसने डबल पोस्ट किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अगर आप ईयर ऑन ईयर देखें तब भी यहाँ पर ज़्यादा अच्छा खासा यहाँ पर जो है सेल्स के नंबर पोस्ट किए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, हालांकि यहाँ पर आप देखेंगे बढ़ ज़्यादा थे सेल्स के नंबर, लेकिन फिर कम होते गए होते गए होते गए सितंबर 19 तक। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर देखिए इसने रिकवरी दिखा रहा है, 17 के बाद 18, 20, फिर यहाँ पर जो लॉकडाउन हुआ था उसकी वजह से जो है इम्पैक्ट करा था एक्टिविटीज़, यहाँ पर बिजनेस इम्पैक्ट किए हुए थे, फिर यहाँ पर देखिए अब रिकवरी के पाथ पे अब ये जा रहा है सितंबर 29 से। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखें तो 39.98, 40 ऑलमोस्ट 40% के, जो सबसे ज़्यादा है आज तक के प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट भी आप देखेंगे तो देखिए ईयर ऑन ईयर देखिए ज़्यादा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे डबल है, तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। देखिए सितंबर 19 से बढ़ते हुए अब 8.14 हो चुके हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे तो कम हो रहे थे, जिसकी वजह से थोड़े से डाउन ट्रेंड में थी। लेकिन दोस्तों अब ट्रेंड रिवर्सल इसका हो चुका है। अभी मैं आपको एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इसका आपको दिखा देता हूँ। तो आप देखिए प्रमोटर्स की होल्डिंग 73.26 थी सितंबर 19 तक, उसके बाद दोस्तों प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ा ली है 73.39।
ये एक अच्छी बात है। FIS ने, देखिए FIS के पास बहुत कम माल है, FIS के अभी छोटे सा मार्केट कैप है, ओनली 300 करोड़ का मार्केट कैप है, तो अभी इस कंपनी के बारे में ज़्यादा किसी को पता नहीं है। DIS को देखिए पता ही नहीं है, DIS के पास माल ही नहीं है, ओनली जो है पब्लिक के पास है। पब्लिक भी यहाँ पर जो है मेनली इसके जो है शेयर होल्डर्स ही होंगे, तो उनके पास यहाँ पर जो है 25.34, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी माल बड़ा है, तो ज़बरदस्त है। देखिए फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल, शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है। अगर मैंने पीयर्स के साथ कंपैरिजन करके बताया आपको, तो यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन है, सबसे सस्ते वैल्यूएशंस पे है, और डेट देखिए सबसे कम है। तो ये थे इसके दोस्तों फाइनेंशियल्स। अब चलते हैं हम इसके टेक्निकल चार्ट पे। तो आप देखिए टेक्निकल चार्ट पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मार्किंग करी हुई है इसके रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की, तो एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है इसने कई बार जो है रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पर देखिए सपोर्ट लिया है, यहाँ फिर से इसने सपोर्ट लिया है, अब यहाँ पर देखिए इसने सपोर्ट लिया फिर से, लेकिन फिर ये नीचे आ गया। अब ये देखिए इसका ट्रेंड रिवर्सल, देखिए यहाँ से दोस्तों आपको ट्रेंड रिवर्सल दिख रहा होगा, और यहाँ पर इसने ब्रेकआउट भी दिया था करीब 219 के बाद इसने ब्रेकआउट दिया था, जो इसका पहले का एक रेजिस्टेंस था। देखिए यहाँ रेजिस्टेंस था, यहाँ रेजिस्टेंस था, यहाँ रेजिस्टेंस था, यहाँ रेजिस्टेंस था, तो अब इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था, लेकिन ये ट्रेंड रिवर्सल है। मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ चार्ट, तो आप देखेंगे इसने पहले ये लो बनाया, फिर इसने हायर लो बनाया, इसने और हायर लो बनाया, अब देखिए इसने हायर लो बनाया, और यहाँ से देखिए एक ज़बरदस्त जो है एक वॉल्यूम की कैंडल दिखेगी आपको। यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद दोस्तों ये वापस से कंसोलिडेट कर रहा है। मतलब मुझे लग रहा है दोस्तों जिसने भी ये यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो रहा है, अच्छा खासा एक्यूमुलेशन हो रहा है, और ये एक्यूमुलेशन हो रहा है इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो है पब्लिक के पास जितना भी माल है उनको निकाला जा रहा है, और यहाँ से दोस्तों मेरे ख्याल से रॉकेट बन जाएगा थोड़े ही समय में। देखिए इतना सा मार्केट कैप है और ये रॉकेट बनेगा, तो हो सकता है देखिए नीचे भी आ जाए, क्योंकि माइक्रो कैप कंपनी है दोस्तों, इसके साथ आपको पेशेंटली जो है आपको पेशेंटली होल्ड करना पड़ेगा इसको। माइक्रो कैप्स ऐसे होते हैं, या तो तेज़ी से भागते हैं या फिर आपको कंसोलिडेशन जोन में फंसाए रखते हैं बहुत लंबे समय तक, लेकिन अब ब्रेकआउट के बाद मुझे लग रहा है थोड़ा टाइम और ही कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद ये दोस्तों यहाँ से फिर से एक ज़बरदस्त ऊपर की तरफ अपसाइड रनअप दिखाएगा। तो इसका जो पहला टारगेट होगा वो होगा 288, और इसका ऑल टाइम हाई मैं आपको बताऊँ तो आप देखेंगे इसका ऑल टाइम हाई है करीब करीब 447। तो अगर हम इसके एक बार यहाँ से करंट मार्केट प्राइस से देखें, 447 पे लगा के एक बार टारगेट अपने रिटर्न्स कितने मिल रहे हैं, तो देखिए अभी भी यहाँ से 89% के जो है, 90% आप मान के चलिए यहाँ से रिटर्न आपको मिलेगा। थोड़ा होल्ड करना पड़ सकता है, पेशेंस के साथ होल्ड करना पड़ेगा, छोटी कंपनी है, फंडामेंटल ज़बरदस्त है, और जो टेक्निकल पे भी देखिए ट्रेंड रिवर्सल दिख रहा है इसका, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया जब सितंबर 19 के बाद से इसने अच्छे खासे अपने रेवेन्यू के नंबर्स पोस्ट करना चालू कर दिए हैं, प्रॉफिट पोस्ट करना चालू कर दिए हैं, तो ट्रेंड रिवर्सल भी दे दिया है। उससे पहले देखेंगे आप जो है डाउन ट्रेंड में थी, नंबर्स भी आपको जो है मैंने दिखाए फंडामेंटल्स पे, अब लेकिन ट्रेंड रिवर्सल चालू हो गया है। तो दोस्तों ये एनालिसिस था, पहला टारगेट होगा इसका 288, और बाद में इसका टारगेट होगा जो इसका दूसरा रेजिस्टेंस है वो मैं फिर से आपको यहाँ पर लगा के बता देता हूँ। तो इसका दूसरा रेजिस्टेंस है करीब करीब 339 पे, तो इसका दूसरा टारगेट होगा 339। तो ये था इसका पहला टारगेट 288, तीसरा दूसरा 339, और इसका ऑल टाइम हाई है 480 के आसपास, जो कि 90% है यहाँ से। और दोस्तों देखिए आपको पेशेंस के साथ अगर इसको होल्ड करना है, थोड़ा सा आपको रिस्क लेना है, तो लाभ ज़रूर ले सकते हैं। मैं डिस्क्लेमर दे दूँ दोस्तों, मैं इसमें यहाँ पर थोड़ी सी पोजीशन बनाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल पे कन्विक्शन जो है लग रहा है, और यहाँ से मुझे लगता है ये ऊपर जाएगा। अगर 6 महीने भी होल्ड करना पड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, माइक्रो कैप है, होल्ड करेंगे, और जब ये रनअप दिखाए चालू होगा तो बहुत तेज़ी से भागेगा। और देखिए दोस्तों आज मार्केट थोड़ा सा डाउन है, अगर मैं आपको बताना चाहूँ, कभी भी जब ब्रेकआउट होता है उसके बाद अगर मार्केट सपोर्ट करता है तो एक पॉजिटिव रहती है वो चीज़ कि उसके बाद जो है अच्छा खासा जो है रनअप दिखा सकता है, लेकिन अगर मार्केट ही नीचे आ जाए तो उसके बाद शेयर्स भी नीचे आ जाते हैं दोस्तों, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अच्छे फंडामेंटल्स होंगे तो वापस से ऊपर जाएगा, जैसे कल मैंने MGL के बारे में बताया था, आज देखिए वो नीचे आ गया, तो घबराने की बात नहीं है दोस्तों, उसको पेशेंस के साथ होल्ड कीजिए। बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल है, बहुत ही अच्छा कंपनी है, फंडामेंटल ज़बरदस्त है, आज नहीं तो कल वो ऊपर ही जाएगा दोस्तों। आपको सिर्फ पेशेंस रखना है, पेशेंस इज़ द की। जी हाँ दोस्तों, पेशेंस इज़ द की। नॉलेज तो आप देखिए ले सकते हैं कहीं से भी, लेकिन पेशेंस आपको खुद ही डेवलप करना पड़ेगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ऐसे वीडियोस आपके लिए और लाता रहूंगा मैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ भी डाउट क्वेश्चन है आपके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, आई वुड बी रियली हैप्पी टू रिप्लाई यू और टू आंसर योर क्वेरीज। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।